यहाँ पे क्या लिखा है, हम सब एक है। चलो ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, और आप लोग कमेंट में बताओ कि ये क्या है। और ये देखो सबके हाथ जो है जुड़े हुए हैं, जो कि अभी हमारे देश में जुड़ा हुआ। ओहो, ड्राइंग हो रही है, किस बात की प्रिपरेशन हो रही है? आजादी आजादी की। वाह, तो आप ये क्या बना रही हो? सबको ही पता है कि ये क्या है। वाह, आपका जो ड्राइंग है वो बहुत ही मस्त है। अच्छा, आपको पता है कि इसमें कितने स्टिक्स होते हैं? 24। और नेशनल फ्लैग का रेशियो कितना होता है? ओह नाइस। और एक छोटा सा मिनी ड्राइंग है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। इस पे लिखा है हम सब एक है। तो ये ड्राइंग आपको मतलब इतना खास नहीं है, आपको मतलब बता रही हूँ कि देखने में इतना वो नहीं है, बट इसमें जो मीनिंग आपको समझाया है ना, वो बहुत ही बड़ा मीनिंग है। देखिए, अभी हमारे देश में जो है कि जात भाषा लेके बहुत ही लड़ाई हो रही है। किसी को परवाह ही नहीं है कि हमारे देश को लेके रहो, उन लोगों को मतलब सिर्फ जाति से है, हिंदू मुस्लिम वगैरह। ये छोटा सा पिक्चर आपको ये समझा रहा है कि हम सब एक है, हम सब हाथ में हाथ डाल कर जीना चाहिए, हम सब एक है और थे और रहे रहेंगे भी। तो आप सभी से यही निवेदन है कि हम सब एक देश के निवासी है, तो एक देश के निवासी ही बन के रहिए, लड़ाई झगड़े मत करिए। इससे क्या होता है, लड़ाई करने से खून बहता है, आपके रिश्ते नहीं जुड़ते हैं। तो अभी हमारे 75th इंडिपेंडेंट हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, और इसी बात की प्रिपरेशन हो रही है। ये नेशनल फ्लैग बना रही है हमारी बहन, तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। ओके, तो आपका ड्राइंग बहुत ही मस्त है। बाय बाय।